हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट सन विद निशु। और मैं हूँ निशु। सो गाइज, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11:30। और आज हम लोग को थोड़ा सा बाहर जाना है, घर का सामान लेना है और डियो को मालिश भी करना है। तो चलिए पहले उसका मसाज कर देते हैं, फिर रेडी वेडी होके चलते हैं। तो रियो यहाँ पे पहले से ही लेटी हुई है अपना मालिश करवाने के लिए। ए बी सी बोलो। बाल में कोई तेल है? कौन सा तेल? बाल में लगाने वाला कोई भी। आप कोई बाल में तेल लगा देते हैं? कोई भी क्यों, आप ये लीजिए एस्टेमियो का आमला ब्लिंग रश विथ बादाम रोगन हेयर ऑयल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी इस तेल के बारे में अच्छे से दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसमें है आंवला, भृंगराज और बादाम रोगन। आपको पता ही होगा कि यह सारे हमारे हेयर के लिए कितने अच्छे होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फुल स्ट्रॉन्गर हेल्दियर एंड लस्ट्रस हेयर। और यहाँ पे देखिए बेनिफिट सारे दिए हुए हैं कि हमारे हेयर फॉल को कम करता है, हमारे डैंड्रफ को कम करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे हेयर को शाइनी बना के रखता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। और यहाँ पे आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल वगैरह मिक्स नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। और चलिए अभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ दिनों से इसी हेयर ऑयल को यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका बेनिफिट मिला। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसका जो रिज़ल्ट है और इसका रिव्यू है शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, इसमें ना एक हमें एक्स्ट्रा कैप भी मिलता है, जिससे आप आसानी से अपने पूरे स्कैल्प में हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, इस टाइप से इसका कुछ पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छा है। और मैं अभी इसको, इस कैप को हटा के और अभी हेयर ऑयलिंग करूँगी, तो वह वाला कैप लगा लेती हूँ। और देखिए, यह मतलब हेयर ऑयलिंग करने में कितना ईजी है, यह ना मुझे बहुत ही मस्त लगा। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस भी काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देता है। तो मैं अपने पूरे हेयर्स में एंड अपने स्कैल्प में अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर लूँगी। पूरे हेयर एंड स्कैल्प में अच्छे से तेल लगाने के बाद आप 2-3 मिनट मसाज कर लो, फिर या तो 2 घंटे बाद शैम्पू करो, या फिर आपके पास टाइम है तो रात को पूरा मतलब हेयर ऑयल लगे रहने दो, फिर इसी के साथ जो शैम्पू आता है आप उससे शैम्पू कर लो, तो आपका हेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत कम है, इसके साथ एक शैम्पू भी है, आपको दोनों ना 549 में मिल जाएगा। कहाँ से लिया? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और अभी देखिए, हम इसी से शैम्पू किए हैं, मेरा बाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा सिल्की लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अगर शैम्पू और या हेयर ऑयल चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर। तो अभी हम सब जा रहे हैं दुर्गापुर। देखिए अरे, वो पीछे बैठी हुई अपनी बुआ के साथ। आप लोग हाय कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर, बस ऐसे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, राशन का सामान लेना है एक्चुअली, और कुछ नहीं लेना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग जंक्शन मॉल। वीडियो को आ रही है यहाँ पे नींद, घर पे ऐसे नहीं सोती। और यहाँ पे देखिए नींद नहीं आ रही है तू। अंगूठा निकालो मुझसे, अंगूठा निकालो। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं रिंगसन मॉल, जा रहे हैं पार्किंग एरिया में। पहले गाड़ी पार्क किया जाएगा, फिर जाके सामान वगैरह लेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जंक्शन मॉल, अभी ये पार्किंग एरिया में। और अभी मास्क लगाना सब लोग का शुरू हो गया, कि कोरोना बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल मॉल में तो और भी ज़्यादा है। चलो पापा पापा
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्पेंसर में, यहीं पे मतलब सारा सामान मिलता है किचन का, राशन का। तो यह है -1 फ्लोर पे, तभी हम लोग इसी में एंट्री कर रहे हैं। इसके लिए जो फिल्टर क्लीन करने वाला होता है ना, वीडियो अलाउ नहीं है। नहीं फिर आप लोग को ट्रॉली, देखिए इन लोग को ट्रॉली नहीं मिल रहा है, बाहर गए हुए नहीं कि हमें इनको खोज इधर इधर अब जल्दी जल्दी से पूरे राशन का सामान ले लेते हैं, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और जाएंगे घर। शॉपिंग कर लिया है, ये सारा सामान अंदर रख रहे हैं, जिसके लिए सीट को हटाना पड़ेगा। हटा दिए, मैंने जैकेट लिया उधर। हीटर कहाँ रखे? इधर है वो। रियो चिप्स लेके पूरा खुश हो गए। किसका है वो? किसका? अब दूध भी नहीं पिएगा, वो भी निकाल देगा। पनिक में होगा तो वो घर पे निकलेगा। और क्या है कि उस काटना पड़ता है ना, आटा फट गया। तो शॉपिंग वगैरह हो गया, तो अभी थोड़ा सा भूख लग रहा था इन लोगों को, तो फिर भूख लग गया। बताइए तभी जा रहे कुछ खाने, ये लोग खाएंगे चाउमीन मैकरोनी मसाला डोसा। तो अभी के पापा गए ऑर्डर करना। आ गया मेरा मसाला डोसा, बिग मसाला डोसा। नीचे नहीं लग रहा, बाबा रे कितना बड़ा मसाला कहाँ है इसमें। कितना कम मसाला है, कितना कम मसाला। आगे चाउमीन सॉस भी दिया है। कैसा सॉस दे रहा है, चिली वाली सॉस दे देते हम। हाँ टमाटो कैसा लग रहा है, टेस्टी हाँ।
अपना वाला बाइक क्यों नहीं चलाती हो घर पे? उस पे डर लगता है यहाँ पे थे। कौन सा चाहिए रही हो? कौन सा चाहिए? जो घर पे बुलेट रखा हुआ है, बुलेट है ना? हाँ, जो बुलेट है घर पे उसका। तो खाना पीना हो गया, अब अंधेरा हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मैं जैकेट दे दीजिएगा, ठंडा लग रहा है थोड़ा।